जीत को लेके बहुत खुशी हुई है, और कल्ली मेरे को नहीं पूरे हरियाणा के जो देश के लोग हैं सबको खुशी हुई है कि जो बीजेपी आई है। और उससे बड़ी बात है कि जो अनिल ब्रिज आई थिंक सो पूरे हिंदुस्तान पे रिकॉर्ड बनाए कि सातवीं बार विधायक बने। लोगों के लिए एक बार भी बनना बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन जो अनिल ब्रिज है ये सातवीं बार बना है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम बधाई देने आए हैं और अच्छा माहौल है और बड़ी खुशी हुई है, दिलों खुशी हुई है कि भाई जो मीडिया के लोग दिखा रहे थे कि भाई कांग्रेस जीतेंगी तो उनकी सुन सुन के हम भी बहुत एक जैसे बोलते हैं ना एक मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं यार कि भी मतलब सब मीडिया दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं मतलब कि भी कांग्रेस जीतेंगी, लेकिन मतलब हरियाणा के लोगों ने प्रूव कर दिया है कि भी ये उनके साथ है, जो लोग मेहनत करते हैं, जो ग्राउंड पे मतलब काम करते हैं इनके साथ है और समझदार है कि भी किसी के बहकाव पे नहीं आए। सो सभी को भी बहुत खुशी है, पूरे हरियाणा को और पूरे देश की मतलब पार्टी जो बीजेपी की सबको बहुत खुशी है और सभी लोग बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और मैं भी बधाई देने आया हूँ अनिल ब्रिज को कि भी मतलब परमात्मा उनकी लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखे उनको और चढ़ती कला पे रखे। आपके दोस्त भी रहे हैं, आपके दोस्त भी हैं, आते हैं आपके पास भी, वहाँ पे भी, तो कौन से पद की उम्मीद कर रहे हैं अभी आप? देखो मैं सोचता हूँ कि ये उम्मीद की बात अभी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि भी कौन सा मतलब एक मंत्री पद मिलेगा, मैं उस चीज पे विश्वास नहीं, हम तो घर के बंदे हैं। अगर मतलब देखो ये लोग डिसाइड करेंगे और हाई कमांड डिसाइड करेंगी, क्योंकि भाई हाई कमांड मतलब मेन चीज है मतलब है ना, उन्होंने मतलब देखो ये पूरे हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड बनाया कि सातवीं बार मतलब विधायक बनना कोई सुखी बात नहीं होती, एक बार एक सरपंच नहीं बना जाता मतलब प्रधान नहीं बना जाता ब्लॉक का मतलब, लेकिन ये जो विधायक बने सातवीं बार, और बहुत बार क्या हुआ कि और दूसरी सरकारें रही है, इनेलो की रही है, कांग्रेस की रही है, लेकिन उनपे भी जीतते रहे मतलब उनमें से भी जीतते रहे मतलब कि भाई, तो अपने आप को मैं सोचता कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और जो उन्होंने मेहनत करी है ग्राउंड लेवल पे, आज देखो मतलब लोग मतलब कोई दिल्ली को भाग रहा है, कोई मतलब कहीं भाग रहा है, लेकिन हमारे अनिल ब्रिज जी आज भी मतलब जहाँ पर टी पॉइंट पे चाय पीने जाते हैं तो भी बोलते कि भी हर रोज मतलब वहाँ जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा नेता कोई नहीं होगा जिसके घर में किसी जिनके ऑफिस पे हर सैटरडे संडे 2,500-3,000 लोग आए और उनकी बात सुने, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई लीडर होएगा पूरे हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान पे जो हर हफ्ते एक बार तो कोई मतलब मीडिया का के एक्टिंग कर लेता है, हर बंदा कर देता है कि भी मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ, सभी तू भी आ जा तू भी आ जा, पर इनका रूटीन का काम है, चाहे मतलब कुछ भी हो उनका रूटीन का काम है सैटरडे संडे हर व्यक्ति की बात सुननी और उसका सलूशन ढूंढना और उनकी समझ मतलब उनके काम करने, सिर्फ बहुत बड़ी बात, इसलिए सातवीं बार जीते हैं मतलब। अब विपक्ष जो ईवीएम पे सवाल उठा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखो ये तो जैसे बोलते ना अब उनको ऐसे हो रहा है ना कि भी अब क्या बताए, क्योंकि वो जलेबी पहले ही खा रहे थे मतलब ये जलेबी का बड़ा रोड़ा पड़ा था, सात आठ बजे जब ये चल रही थी काउंटिंग भी 70 सीटें 72 सीटें बड़ी जलेबी बांट रहे थे, तो जलेबी ऐसी बनी उनकी मतलब गोल गोल सी मतलब सीमेंट के 37 सीट पे आगे, तो उनकी जलेबी ऐसी बन गई मतलब। सो उनका तो क्या मतलब उनका तो यू नो अगर जहाँ वो जीतते हैं वहाँ बोलते हैं कि नहीं जी मतलब ईवीएम ठीक है, जहाँ हारते हैं वहाँ बोलते नहीं ईवीएम पे गड़बड़ हुई है, तो उनका तो घर क्या मतलब है ना, उनका उसके लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।